नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सिवनी जिले के भैरोगंज रोड पर विगत दिनों स्कूली छात्र को असामाजिक तत्व द्वारा मारपीट की घटना घटी, जो शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास हुआ। इस रोड पर कॉलेज तथा स्कूल संचालित होते हैं। छात्र छात्राओं व महिला पुरुष में भय के वातावरण से मुक्त और दोबारा अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए जन समस्या निवारण संस्था द्वारा कलेक्टर महोदय एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द पुलिस चौकी खोलने की मांग की गई। यहाँ हम जन समस्या निवारण संस्थान की ओर से आए हुए हैं। ये भैरोगंज चौक में पुलिस चौकी खुलवाने हेतु यहाँ पर स्कूल है, MLB स्कूल है, उत्कृष्ट विद्यालय है, गर्ल्स कॉलेज भी है और PG कॉलेज भी है। तो वहाँ पे छात्राओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। कई छात्राएं ऐसी हैं कि स्कूल जाने से मना कर रही हैं। वहाँ असामाजिक तत्व बहुत सारे खड़े होते हैं, उससे महिलाएँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। इस कारण से हम चाहते हैं कि पुलिस चौकी भी खुले और स्कूल के बाहर पुलिस की ड्यूटी भी रहे। नगरी उपनगरी भैरोगंज में जो धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में एक हब है, वहाँ प्रतिदिन सुबह से छात्र और छात्राएं विद्याध्ययन करने हेतु पहुँचते हैं। जहाँ अक्सर देखा जाता है कि जो विद्याध्ययन करने आने वाली छात्राओं के साथ कुछ असामाजिक तत्व अभद्र व्यवहार करते हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए हम जन समस्या निवारण समिति की ओर से ये पहल की गई है कि उन्हें वहाँ पुलिस चौकी खोली जाए, जिससे भविष्य में जो छात्राएं पढ़ने जाती हैं उनके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार न हो। खबर समय जगत के लिए सिवनी से ब्यूरो चीफ नरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.